इट्स अ टाइम टू साइनिंग इन उमर फर्स्ट सेइंग यू अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हाजिर हुए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी हम मोटिवेशनल वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करें तो आप तक वो टाइमली जो हैं वो डिलीवर होती रहें। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है दोस्तों के बारे में, कि हमें जब दोस्त हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और उनके अंदर हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है ताकि हमारी एक अच्छी दोस्ती जो है वो देर पा दोस्ती वो कंटिन्यू रह पाए, वो चल पाए हमारे हमारे रिलेशंस के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इंक्लूड की है इसके अंदर, जैसा कि कहा जाता है ना, एक बड़ा मशहूर कोल है कि कोई भी जो इंसान होता है ना वो एवरेज होता है अपने 5 दोस्तों का। उसके जो आसपास के 5 लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो इंसान किस कैलिबर का है, क्या उसकी अप्रोच है, ठीक है, और वो कितना ग्रो करेगा। तो ये 5 दोस्त ही जो होते हैं उसके सराउंडिंग के अंदर, जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, जो उसके आसपास ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ठीक है, वही इंसान की जो लाइफ होती है उनका एवरेज हुआ करता है। तो ये बात मुझे बड़े दिल को भी लगी। वैसे तो मैंने 50 पॉइंट्स इसके वीडियो के लिए अरेंज किए थे लेकिन उनको शॉर्ट करते करते आफ्टर ऑल 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मैं लेके आया हूँ जो कि बहुत मेन है। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है यही वीडियो आपका एक नया पर्सपेक्टिव जनरेट करे और आपके अंदर आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर दे। तो जो चीज़ हमने स्टार्ट में बात कही कि हमें 5 जो दोस्त होते हैं हमारे वो हमारी लाइफ का एवरेज होते हैं, ठीक है, तो अब हमें उन 5 लोगों की कैसे सिलेक्शन करनी है। देखिए, अगर वो हमारे सराउंडिंग के 5 लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी अच्छी नेचर है, या वो एक जिसे कहते हैं दोस्ती कहलाने के लायक हैं, तो फिर तो हम लोग ग्रो करेंगे। और अगर वो 5 दोस्त हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाने वाले हैं तो अल्टीमेटली जो है हम एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी फ्रेंडशिप जो है उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज़ डैट कि जब भी आपने अपने दोस्त की बात करनी है, दोस्तों को सिलेक्ट करना है, तो आपने हमेशा उसके अंदर एक बात को मद्देनज़र रखना है कि आपका दोस्त एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम इंसान हैं, ठीक है, हम लोग खुद भी अगर इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि हम एक एनर्जी की फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंसान का वजूद भी एक एनर्जी ही है, ठीक है। सम टाइम हमें कोई इंसान एक खूबसूरत लफ्ज़ बोलता है तो हमारी एनर्जी जो होता है उसका लेवल अप हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें कोई इंसान एक बुरे तरीके से ट्रीट करता है या एक गलत बात हमारे ऊपर एक कर देता है तो उसका भी रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें डिप्रेस हो जाती है लाइफ हमारी। तो अपने दोस्त वो सिलेक्ट करने हैं जो कि एनर्जी है जिनकी, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, जो आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो आपको एनर्जी देते हैं। देखें, लाइफ में ऐसा होगा जब आप लोग, मैं आपसे ही पूछूंगा, जैसे कि जब आप लोग कॉलेजेस में थे या अपने स्कूल लाइफ से बात करते हैं, स्कूल लाइफ के अंदर आपके फ्रेंड्स जो थे, ठीक है, वो आज वो दोस्त शायद आपके ना भी हों, ठीक है। फिर कॉलेज लाइफ आई, आपको एक नया एनवायरनमेंट मिला, नए लोगों से आपकी जान पहचान हुई और कई सारे नए लोग जो हैं वो आपके दोस्त अहबाब के जो सर्कल था उसके अंदर ऐड हुए। लेकिन आज आप देखें कि वो दोस्ती जो थी वो कॉलेज की लेवल पे थी। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मूव करके गए हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके एक नया सर्कल डेवलप हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स में भी तब्दीली आना शुरू होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो इंसान खुद था, ठीक है, उसके वो भी पर्सनली इंसान चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमेशा दोस्त उसको सेलेक्ट करें जो आपको एनर्जाइज़ करता है। फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठीक है, जिस सर्कल में आप लोग बैठते हैं, आप देखें वहाँ पे डिस्कशन क्या होती है, ठीक है। मैं इसके लिए एक बड़ा एक खूबसूरत लफ्ज़ बोलने जा रहा हूँ, दैट इज़ OQP, ओनली क्वालिटी पीपल, ठीक है, कि क्वालिटी पीपल जब आप अपनी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं तो उनकी जो गुफ्तगू होती है वो भी क्वालिटी बेस्ड होती है, ठीक है। नॉर्मली आप देखें कि दोस्त जब बैठते हैं, नॉर्मल टॉक्स जो होती हैं वो एक एवरेज टॉक्स होती हैं, ठीक है, जो कि इररिलेवेंट हैं, जिसका कोई एज सच इतना कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं और इसको ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जब भी गुफ्तगू में बैठें तो क्वालिटी कंटेंट पे बात करें। आप बात करें कि बिज़नेस कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप ज़रूर बात करें
कि हम किस तरीके से एक नया स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। आप आइडियाज़ को बात करें, आइडियाज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि एक एवरेज माइंड जो होता है ना वो लोगों को डिस्कस करता है कि फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, उसका ये था, उसके बारे में तुम्हें पता चला। तो ये बातें जो हैं इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आए, ताकि एक इंसान की जो लाइफ है उसका जो रियल पर्पज़ है, जो दोस्ती का एक असल जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसको किसी वाले से भी जो है दोस्ती के नाम उसको दे सकते हैं या कोई दोस्ती को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई राय है आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके कोई एक पॉजिटिव फ्रेंड ने आपको मोटिवेट किया हो और किसी नेगेटिव फ्रेंड ने आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया हो या किसी तरीके से भी डैमेज किया हो, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। एंड इट्स अ टाइम टू साइनिंग आउट। उमर फर्स्ट सेइंग यू अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।